तो फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाकये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है, और हम कहते हैं ना माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया